तो इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने वाले बयान पर भड़के भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बुलडोजर अपराधियों पर चला है, लेकिन पेट में दर्द अखिलेश जी के क्यों होता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सपने में भी दुर्भाग्यपूर्ण बदले की राजनीति की बात सोचते हैं। 2027 में जनता अखिलेश जी के सपनों पर बुलडोजर चलाएगी। बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर कर देंगे जब हमारी सरकार आएगी, ऐसा अखिलेश यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान और एक तरीके से अराजकता को बढ़ाने वाला बयान है, बदले की भावना से वाला बयान है। लेकिन अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 7.5 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी भी अतिक्रमण की कार्रवाई पर माननीय कोर्ट के द्वारा कोई भी विपरीत निर्णय नहीं दिया गया है, यानी कि जो भी हमने कार्य किया है वो नियम विरुद्ध नियम के साथ किया है। और अखिलेश यादव जी को आप शेख चिल्ली के सपने खूब देखिए, रोज देखिए, 2017 से लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन दंगाइयों के साथ खड़े होने वाली सरकार, बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार, अपराधियों की पौ बारा करने वाली सरकार और आतंकवादियों के समर्थक सरकार को जनता कभी भी ये सपने पूरे करने नहीं देगी, क्योंकि बड़ी उन्होंने वोट दे करके भाजपा के पक्ष में आपसे मुक्ति पाई है। और आपके अपराधियों के साथ की जो आपकी हमदर्दी है, जो आपका नवाब ब्रांड है, वो सबके जनता के सामने है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी सपने देखते रहिए, सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता है।